विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, चार राज्यों में फिर खड़ा कमाल, यूपी उत्तराखंड मणिपुर में बीजेपी को मिला बहुमत, भगवा रंग में रंगा यूपी। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर लहराया जीत का परचम, बीजेपी 255, अपना दल 12 और निषाद पार्टी में 6 सीटों पर किया कब्जा। चार राज्यों की चुनावी जीत के बाद बोले पीएम मोदी, देश को बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ाना। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने जीत के लिए जनता का जताया आभार, कहा 2022 के नतीजों ने तय कर दिया 2024 का परिणाम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एनडीए ने जीत का चौका लगाया, यूपी के लोगों ने प्यार आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा ज्ञानी लोग यूपी में जाति के चश्मे से देखते थे, ये ज्ञानी लोग यूपी को बदनाम करते थे, जाति का काम तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाला होना था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं, भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त देश के नागरिक करके रहे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, फूलों का हार पहनाकर पीएम का किया गया स्वागत। बीजेपी की जीत पर बोले जेपी नड्डा, यूपी में 37 साल बाद लगातार दूसरी बार सरकार, पीएम के नेतृत्व में बड़ी जीत। बीजेपी संसद बोर्ड की मीटिंग, जीत वाले चार राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी और राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, यूपी चुनाव नतीजों को लेकर मंथन, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी ने बदला 37 सालों का इतिहास, लगातार दूसरी बार संभालने जा रहे हैं यूपी की सत्ता। यूपी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले सीएम योगी हमें जोश के साथ होश बनाए रखना है। सीएम योगी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन पर सूबे की जनता को दी बधाई, कहा पीएम के नेतृत्व में चार राज्यों में मिली प्रचंड जीत। सीएम योगी ने कहा ये प्रचंड बहुमत ही राष्ट्रवाद की जीत, जनता की अपेक्षा को पूरा करेंगे, विकास के कामों को और आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी का जोरदार स्वागत, भगवा रंग में रंगे दिखे सीएम योगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी के साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जबरदस्त जश्न का माहौल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बीजेपी नेता डांस करते आए नजर। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर जश्न का माहौल, लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बीजेपी समर्थकों का लगा तांता। अपर्णा यादव की बेटी ने सीएम योगी का किया तिलक, जीत के बाद योगी का किया तिलक, मुलायम की छोटी बहू ने योगी को दी जीत की बधाई। बीजेपी की बंपर जीत पर अपर्णा यादव ने जताई खुशी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर्णा यादव को खिलाई मिठाई। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली अपर्णा मैं आज भी जय श्री राम के नारे पर अटल, जात पात की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की बड़ी जीत पर खुशी जाहिर की, मंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा प्रियंका जी यूपी कांग्रेस में जान फूंकने आई थी पर वो पार्टी फूंक कर जा रही है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पार्टी की जीत पर जताई खुशी, कहा बीजेपी की जीत जनता की जीत। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर रवि किशन ने किया प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीत प्रदेश उत्तराखंड से कहा हमको मुस्लिम महिलाओं और यादव समाज की महिलाओं ने बहुत खुश किया। यूपी के रिजल्ट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में 80-20 की राजनीति सफल हो गई। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पर ओवैसी का तंज, ईवीएम की गलती नहीं है लोगों के दिमाग में डाली गई। लखनऊ में सीएम योगी की शानदार जीत का जश्न, बीजेपी समर्थकों ने सीएम योगी के घर के बाहर की जमकर आतिशबाजी। गोरखपुर में बीजेपी के प्रदर्शन पर जनता में जश्न का माहौल, भगवा रंग में रंगे लोग ढोल की थाप पर जमकर। योगी समर्थकों ने गोरखपुर में सड़कों पर बुलडोजर पर सवार होकर जश्न मनाया, गोरखनाथ धाम में दर्जनों बुलडोजर आए नजर। यूपी में बीजेपी के समर्थकों में भारी उत्साह, लखनऊ से आई खास तस्वीर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर मनाया जश्न। लखनऊ में बीजेपी समर्थकों का जोश दिख रहा है, एक नन्हा समर्थक भी हाथ में बुलडोजर लेकर आया नजर। वाराणसी में बीजेपी के बंपर जीत के बाद कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी का माहौल, वाराणसी की सड़कों पर मनाया गया जश्न। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, फूलों की बारिश, मिठाई बांटकर मनाया गया जश्न। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यालय में उत्सव का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी और योगी जिंदाबाद के लगाए नारे।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के आवास पर जश्न का माहौल, कहा ये मोदी जी की नीतियों की जीत। कानपुर में बीजेपी की जीत पर अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे जेसीबी पर खड़ी हुई, मतगणना स्थल के बाहर का नजारा। बीजेपी मुख्यालय में मुस्लिम समाज के लोग विक्ट्री का निशान दिखाते आए नजर, जय श्री राम के उद्घोष के साथ लगाए नारे। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेली जश्न की होली, भगवा रंग की होली खेलकर जताई खुशी। बाराबंकी से आई जश्न की जुड़ी बेहद अनोखी तस्वीर, बीजेपी नेताओं ने की बुलडोजर की पूजा। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनोखी तस्वीरें आई सामने, बुलडोजर पर चढ़कर मनाया गया जश्न, अलीगढ़ में सभी 7 विधानसभाओं पर बीजेपी को मिली थी। बुलंदशहर में मंत्री अनिल शर्मा ने जीत के बाद मनाया जश्न, रोड शो निकालकर मनाया जीत का जश्न, शिकारपुर विधानसभा सीट से दर्शन। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में भी यूपी की जीत को लेकर भारी उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ खेली गई होली, बुलडोजर लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। देश भर में बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर, पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर जीत की होली। गोरखपुर से सीएम योगी की पंपर जीत, 1,02,000 वोटों से जीते सीएम योगी, गोरखपुर सदर सीट से योगी की शानदार जीत। सिरातू से हारे केशव मौर्य, पल्लवी पटेल ने 6,953 वोटों से दी मात, ट्वीट कर कहा जनता का फैसला विनम्रतापूर्वक स्वीकार। नोएडा में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह 1,69,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंकज सिंह के ऑफिस मनाया जीत। कन्नौज सदर सुरक्षित सीट से बीजेपी के असीम अरुण जीते, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, असीम अरुण ने मतगणना पंडाल में फैली गंदगी को किया साफ। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीते बीजेपी के राजेश्वर सिंह, एसपी के अभिषेक मिश्रा को हराया। योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दर्ज की जीत, बोले योगी सरकार के विकास मॉडल पर यूपी में मिली प्रशंसा। कुशीनगर की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम, बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और जीत का श्रेय मोदी योगी के नेतृत्व में को दिया। शाहजहांपुर की सभी सीटों पर बीजेपी को मिली जीत, मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा अब विरोधी दल ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर शिकायतें करते नजर आए। आगरा की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा, आगरा की सभी सीटों पर लहराया भगवा, सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, शामली की 3 सीटों पर हारी बीजेपी। करहल सीट से जीते एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल को 66,782 वोटों से हराया। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव ने दर्ज की जीत, रामपुर से आजम खान, असवार विधानसभा सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जीत। जहूराबाद सीट से जीते सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राज पर बीजेपी प्रत्याशी को दी शिकस्त। कैराना सीट से एसपी के नाहिद हसन जीते, बीजेपी की प्रियंका सिंह को दी गई शिकस्त। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, फाजिलनगर सीट से हारे चुनाव, 26,000 से ज्यादा वोटों से हारे स्वामी। शरणाखार से बौखलाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, फिरोजाबाद के जसराना में एसपी कार्यकर्ताओं का भारी बवाल। फिरोजाबाद में प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट देने में देरी से भड़के एसपी कार्यकर्ता, पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कौशाम्बी के नवीन मंडी में काउंटिंग सेंटर पर हुआ भारी बवाल, लोगों ने पुलिस बल पर किया पथराव। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल के बाहर किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के कन्नौज में मतगणना केंद्र के पास भारी बवाल, एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ पथराव। कानपुर में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। यूपी की जीत पर बोले जयंत चौधरी, जनता के मत का सम्मान करता हूं, जीतने वाले सभी विधायकों को बधाई। यूपी में अपना दल सोनेलाल को मिला राज्य पार्टी का दर्जा, विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चखा जीत का स्वाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बीजेपी को दी बधाई, कहा पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों की जीत, लोगों ने जाति धर्म से उठकर वोट दिया। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद एक साथ मान रही होली दिवाली, रंग गुलाल और आतिशबाजी के साथ जीत का मनाया जा रहा जश्न। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास, 70 में से 47 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में काबिज हुई भगवा ब्रिगेड। उत्तराखंड में जीत पर सीएम धामी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, रंग लगाकर दी बधाई। उत्तराखंड जीत पर बोले सीएम धामी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाएंगे।
उत्तराखंड के सीएम धामी चुनाव हारे, खटीमा सीट से सीएम धामी को मिली हार, कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने हराया। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की जीत की खुशी को खुलकर कर रहे जाहिर, देहरादून में प्रदेश कार्यालय में एक दूसरे को लगा अभी गुलाब। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी हारे चुनाव, हार के बाद बोले हरीश रावत, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होने के तौर पर मैं हार की पूरी जिम्मेदारी लेता। पंजाब में सरकार बनाने के लिए आज केजरीवाल बनाएंगे रणनीति, चंडीगढ़ में भगवंत और नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर किया कब्जा। पंजाब में आपके प्रदर्शन को केजरीवाल गदगद, कहा पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, अब पूरे देश में होगा इकबाल। केजरीवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जनता ने बता दिया है मैं देशभक्त, विरोधियों ने मुझे आतंकी कहा था। केजरीवाल ने कहा 70 साल तक देश को लूटने का काम हुआ, आपने ईमानदारी की राजनीति शुरू की, महिला युवा किसान व्यापारी आपसे जुड़े। पंजाब की जीत पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, केजरीवाल का मॉडल देश को स्वीकार। मनीष सिसोदिया ने कहा पंजाब ने आपको काम करने का मौका दिया, पंजाब की जनता ने बाबा साहेब के सपनों पर मुहर लगाई। पंजाब की धुरी विधानसभा सीट पर भगवंत मान की जीत, 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते भगवंत मान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान ने संगरूर में अपने घर पर परिवार वालों से की मुलाकात, भगवंत मान ने रोड शो भी निकाला। पंजाब की मानसा विधानसभा सीट पर लहराया आम आदमी पार्टी का परचम, कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर मनाया जीत का जश्न। पंजाब की जनता ने सीएम चन्नी को नकारा, चंपौर साहिब और भदौर दोनों सीटों से चुनाव हारे, आज सीएम पद से देंगे इस्तीफा। पंजाब में अमृतसर ईस्ट के हारे नवजोत सिंह सिद्धू, आप उम्मीदवार जीवन ज्योत ने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया। आम आदमी पार्टी के आंधी से हारे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पटियाला अर्बन सीट पर अजीत पाल सिंह कोहली ने 13,000 वोटों से भी पटक। पंजाब में आपकी सुनामी में 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हारे, सुखबीर बादल को भी मिली हार। पंजाब में कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी का ट्वीट, हार से सीखेंगे जनता के फैसले को स्वीकार करते। कांग्रेस की हार पर जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक, शशि थरूर ने कहा अब कांग्रेस में नहीं टाला जा सकता बदलाव, G23 नेताओं की बैठक जल्द। गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन, 40 में से 20 विधानसभा सीटों पर लहराया जीत का परचम। गोवा में बीजेपी की जीत के बाद सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। गोवा की जीत पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर की खुशी, कहा लोगों ने पीएम मोदी पर अपना विश्वास दिखाया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने गोवा के पणजी में कहा कांग्रेस गोवा के लोगों के जनादेश को स्वीकार करती है, गोवा में हमारे उम्मीदवार अच्छा रहे। मणिपुर में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, 32 सीटें जीतने के बाद उत्साहित नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता, इम्फाल में पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर की आतिशबाजी। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के घर के बाहर उत्सव का माहौल, घर के बाहर बीजेपी समर्थकों ने मनाया जश्न।